सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको मुहावरे और लोकोक्ति क्या है उसके बारे में बता रही हूँ। मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। मुहावरा, जब वाक्य में किसी शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता बल्कि उसी से मिलता जुलता अर्थ लिया जाता है और यह अर्थ रूढ़ बन जाता है, रूढ़ मतलब प्रसिद्ध हो जाता है संसार में, तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब हो जाएगा इनकार करना, जवाब देना। मुहावरे की विशेषताएं क्या हैं? मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जैसे अगर कहें कि पेट काटना तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यदि कहें मैंने अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाया तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यानी पेट काटकर मतलब बचत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। दूसरा है, मुहावरे में मूल क्रियापद का होना आवश्यक है जिसके अंत में ना लगा रहता है, जैसे नाक कटाना, हाथ मलना आदि। तीसरा है, मुहावरों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे फूल कर कुप्पा होना, यह पुलिंग तथा स्त्रीलिंग में एक जैसा ही रहेगा। अगर हम किसी पुरुष को कहेंगे फूल कर कुप्पा हो गया तो स्त्री के लिए भी यही प्रयोग होगा कि फूल कर कुप्पा हो गई, कुप्पी नहीं बोलेंगे यहाँ पर। चौथा है, मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों में नहीं बदल सकते। जैसे कमर टूटना, इसको हम कटी टूटना नहीं कह सकते बल्कि कमर टूटना ही कहेंगे। तो ये मुहावरे थे। दूसरा है लोकोक्ति, लोक उक्ति। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति, यानी लोक मैंने संसार, उक्ति मैंने कही गई संसार, लोगों के जो द्वारा जो बात कही गई है उससे मिलकर बना है। ये सामाजिक जीवन के अनुभव पर बनती हैं, कहीं उपदेश देने के लिए तो कहीं कथन की पुष्टि के लिए लोकोक्ति का प्रयोग प्रभावकारी सिद्ध होता है। लोकोक्ति मुहावरे की भांति वाक्य का अंग नहीं होती, ये पूर्ण वाक्य होती हैं, इन्हें कहावत भी कहते हैं। लोकोक्तियों का अर्थ विशेष होता है, जैसे अंत भला सो भला, यदि काम का अंत अच्छा हो तो सब अच्छा ही समझा जाता है। दूसरा है, जैसे अंधों में काना राजा, इसका मतलब है कि बहुत सारे अज्ञानी हो तो उनके बीच में अगर कोई कम ज्ञान वाला व्यक्ति है तो वही ज्ञानी समझा जाता है। तो ये थी अपनी लोकोक्ति। आशा है आपको लोकोक्ति और मुहावरे अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।